नमस्कार, एक्सलेंसीज बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, मैडम शेख रेहाना जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सोनार बांग्लादेशेर प्रिय बंधुरा, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। आज के रही मुहूर्तटी आमार जीवनेर मुझे खुशी है कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम पड़ाव में जे बांग्लादेश ने तारे अत्यंत मुझे भी शामिल किया। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्मशती का यह वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सलेंसीज राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजिबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के सुरवीरों को। मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेन्द्रनाथ दत्तों को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम रफीक बरकत जब्बार और शाफीउर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया।
और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एका, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद दोहलकर जी ने कहा था, एक शागोर रक्तेर विनिमये বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের ভুলব না, আমরা তোমাদের ভুলব না। ইয়ানি জিনোনে আপনে রক্ত কে সাগর সে বাংলাদেশ কো আজাদি দিলাই হাম উনে ভুলেঙ্গে নাহি, হাম উনে ভুলেঙ্গে নাহি। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए। बंधुगण, इन सब के बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम, एबारेर संग्राम स्वाधीनोत्तर संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है।
उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजीब और से बंग बंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को, मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है। बंधुगण, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति की का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్, అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Vertex Plaza near Radhika Theater, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885552. प्रणवदा ने कहा था, बंग बंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेटमैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। बंधुगण, ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय हैं। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज
भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने सोनो एक्टिर मुजिबोरे थे के इस धुन पर दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े, वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें, हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। साथियों, बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था, बांग्लादेश इतिहास से स्वाधीन राष्ट्र हिसेबे टिके थाकबे बांग्ला के दाबिये राखते पारे एमन कोनो शक्ति नहीं। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बांग बंधु का ये उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर एतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाते कारा कारी कोरे ताई सबे मिले, देरी कारो नहीं सहे को भू, यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा, अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए,
हमारे लक्ष्य एक है, इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरोजीवी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। आंतरिक सेरेनिटी मॉडल हाई स्कूल विद्यार्थुलकु अम्मवडि सामान्युलकु अंदुबाटुलो उन्न बडि सेरेनिटी मेडचल जिल्लालो मेटिगा निलिचि साटिलेरि फलितालनु साधिस्तुन्न नंबर 1 स्कूल सेरेनिटी मा प्रत्येकतलु प्रति विद्यार्थि पट्ल व्यक्तिगत श्रद्ध एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम्स कंप्यूटर ल्याब 100% ఫలితాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యోగా అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ నాకారం అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాల్ 0402714689 అండ్ 0402714869